हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं एक कप से कम ढेर सारा सूजी केटली जा रही हूँ बनाने के लिए। एक कप सूजी में आधा कप पर दही ली हूँ मैं। इसे मैं आधा घंटा के लिए रेस्ट में रहने के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद देखिए इस तरह का घोल मैं रेडी कर ली हूँ। अब इसमें मैं एक इनो डालूँगी। इनो को डाल के पहले से ना रखें नहीं तो अच्छे नहीं बनेंगे। बस इनो डाल के तुरंत इसे मिलाएं, इसमें हल्का सा पानी डालें और इस तरह का बैटर को मिला लें, अच्छे से मिला लें। इधर सब में मैं इडली के साँचे में इस तरह का ऑयल लगा ली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हो चुका है, मैं मिला ली इसे। अब इसमें मैं डालूँगी, कम कम डालें तो अच्छे से फूलेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, मेरा पानी गर्म हो चुका है। अब मैं सबसे पहले छोटे वाले साँचे को डालूंगी, फिर मैं बड़ा वाला डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें ढक्कन ऊपर से मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए इसे मैं पकाऊंगी। तब तक चलिए मैं चटनी बना लेती हूँ इडली के साथ खाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो चुका है, थोड़ी सी तेल में डालूंगी। पहले मैं बादाम को थोड़ी सी इसमें भूनूंगी। देखिए मूंगफली मेरा हो चुका है, इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ी सी तेल डालूंगी। बड़ी चम्मच में एक चम्मच तेल डालूंगी। इसमें थोड़ी सी सरसों डालेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, काला वाला भी लाई ले सकते हैं। मैं इसमें पीली और दी हूँ। कड़ी पत्ता में डालूँ तो चने का डालूंगी और हल्के से थोड़ी हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। अब इसे मैं प्याज डालूंगी मीडियम फ्लेम में रखें। सूखी मिर्च को भी डालूँ मैं। इसे भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भून लें, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करें। इसे मैं थोड़ी सी नमक डालूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसमें तेल नहीं डाली क्योंकि मेरे पास तेल नहीं था। आप चाहे तो थोड़ी सी तिल भी डाल सकते हैं। एक चम्मच छोटे चम्मच में तिल डाल दें, तो भी बहुत अच्छा चटनी में लगता है। और एक मिनट से भूनना। देखिए फ्रेंड्स, हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी मीडियम साइज। इसे भी पकाना जैसा कि ये टमाटर अच्छे से गल जाए, थोड़े से इसे टमाटर को पकाना है। इसे थोड़ी देर ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कैसे से पक चुका है। इसमें मैं भुना हुआ बादाम को डाल देती हूँ। अब मैं इसे ही बर्तन में निकाल लूँगी ठंडा करके। उसके बाद मिक्सर डाल दूँगी, मिक्सर जार में डाल के इसे पीस लूँगी। आप अपने अनुसार तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये तीखा वाला मिक्सर इसलिए मैं एक डाली हूँ। चलिए मैं इधर चेक कर लेती हूँ कि मेरा इडली बना है कि नहीं बना है। देखिए फ्रेंड्स, ये चाकू के हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। नहीं लग रहे हैं साफ है चाकू, इसका मतलब मेरा इडली हो चुका है। ऐसे मैं गैस बंद करके इसे निकालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इडली सांभर और चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप घर पे ट्राई करें। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं सूजी के लिए। ठीक है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चटनी के साथ सर्व करें। चटनी की भी रेसिपी आपको पता है, इसे घर पे ट्राई करें। और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगे, मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।